गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। हमारा जो लेसन है, लेसन का नाम है प्लांट हैबिटेट्स, यानी प्लांट्स के रहने की जगह। तो हम प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरिया, प्लांट्स ऑफ डिजर्ट, प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन्स एंड प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन का स्टडी कर चुके हैं। अब हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं, पानी में पनपते हैं, बढ़ते हैं, उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट्स। जलीय पौधों को तीन भागों में विभेद किया जा सकता है: एक फ्लोटिंग प्लांट्स यानी कि तैरने वाले प्लांट्स, एक फिक्स्ड प्लांट्स यानी कि एक जगह पर रहने वाले प्लांट्स, और अंडर वाटर प्लांट्स जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। दिस प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एज देयर रूट्स, स्टेम एंड बॉडी आर लाइट एंड स्पॉन्जी। वो प्लांट्स जो वाटर के सरफेस पे यानी पानी की सतह पे तैरते हैं, और उनके रूट्स, स्टेम और बॉडी बहुत ही हल्के और स्पॉन्जी होते हैं, जिससे कि वो डूबे नहीं। देयर स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। इनमें तने की कमी होती है और रूट जो होता है वो वेल डेवलप यानी कि विकसित नहीं होता है। द लीव्स हैव अ थिन वैक्सी कोटिंग सो दैट वाटर डज नॉट वेट द सरफेस एंड ब्लॉक द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। लीव्स जो होती हैं इसकी, इस पर एक पतली सी वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से इसमें पानी जो होता है, पानी इसके सरफेस को गीला नहीं कर पाता है, और जो स्टोमाटा होता है इसके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पत्ती जो है गीली नहीं होती है। दिस प्लांट प्रोटेक्ट स्मॉल एनिमल फ्रॉम द हॉट सन। और इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनके पत्तियों की छाँव से जो जलीय जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, उनको सूरज की गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। जैसे जलकुंभी को देखते हैं, जलकुंभी की पत्ती को आप अगर पानी में डुबाते हैं और फिर निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी नहीं लगा रहता, वो ऐसे उसके ऊपर से फिसलन सी रहती है, जिससे वो पानी गिर जाता है, उस पर रुकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग लगी रहती है उसके लीव के ऊपर, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डकवीट, वाटर लैट्यूस एंड वाटर हाइसेंथ। तो जो ये सब एग्जांपल है फ्लोटिंग प्लांट्स के, ये कॉमनली आपके इधर आसपास दिखने को भी मिल जाते हैं। खासकर वाटर हाइसेंथ मिलता है, यानी जलकुंभी हमारे आसपास हर जगह मिलता है। तो अब जानेंगे फिक्स्ड प्लांट्स के बारे में। फिक्स्ड प्लांट ग्रो एट द मडी बैंक और इन शैलो वाटर। फिक्स्ड प्लांट जो होते हैं, यानी कि फिक्स्ड का मतलब होता है कि एक जगह पे स्थिर, तो ये होते हैं मडी प्लांट्स, सॉरी मडी बैंक्स, यानी कि जो किनारे पे कीचड़ होता है वैसी जगह पे होते हैं, या फिर जो छिछला पानी, थोड़ा सा पानी होता है वैसी जगह पे होते हैं। सो प्लांट्स हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स। इन प्लांट्स के स्टेम जो होते हैं यानी तनाएँ जो होती हैं, खाली, खोखली और लंबी होती हैं, और पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, क्योंकि पत्ती जितनी चौड़ी होती है वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम करती है और उस पर अपना स्थायित्व जमाए रखती है, जिससे कि वो डूबे नहीं। द हॉलो स्टेम एंड ब्रॉड लीव्स हैव देम टू फ्लोट एंड टू कीप द फ्लावर अबव द वाटर। हॉलो स्टेम जो होता है और जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, इनको ऊपर तैरने यानी कि पानी के सरफेस के ऊपर रहने और फ्लावर को पानी के ऊपर रहने में हेल्प करता है। इनके फ्लावर्स भी तो होते होंगे। द लीव्स हैव स्टोमाटा ओनली ऑन द अपर साइड सो दैट द वाटर डज नॉट ब्लॉक देयर फोर्स। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, इनमें ऊपर के साइड, अपर साइड पे स्टोमाटा यानी कि छिद्र लगे होते हैं, जिससे कि पानी इनके पोर्स को, छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको ब्लॉक नहीं कर पाता।
क्योंकि वो पानी में तो होते नहीं, पानी से थोड़े ऊपर होते हैं, ऊपरी सरफेस पे। द ब्रॉड फ्लोटिंग लीव्स ऑफ सच प्लांट्स प्रोवाइड अ नेस्टिंग प्लेस फॉर सम टिनी बर्ड्स। इनकी चौड़ी फ्लोटिंग जो पत्तियाँ होती हैं वो कुछ छोटे छोटे चिड़ियों के रहने की जगह भी बनाती हैं, क्योंकि इस पे ये अपना नेस्ट बनाती हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है वाटर लिली, लोटस और सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स। वाटर लिली होता है आपका, लोटस होता है, ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता पानी में, ये एक जगह फिक्स्ड होता है। और ये वाटर हाइसेंथ क्या होता है, ये तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, लेकिन लोटस और वाटर लिली नहीं जाता है। अंडर वाटर और सब मॉस प्लांट्स, पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे कौन कौन से हैं, देखिए। दिस प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर, ये पौधे पानी के अंदर ग्रो करते हैं, अंदर पानी के अंदर बढ़ते हैं। द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नैरो एंड हैव नो स्टोमाटा, इनकी पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही पतली होती हैं, नैरो यानी सकरी होती हैं, और इनमें छिद्र नहीं पाए जाते। देयर रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल, और इनके जो शेष रूट होते हैं वो मिट्टी में धंसे होते हैं। द स्टेम आर वेरी डेलिकेट एंड फ्लैक्सीबल ड्यू टू एयर स्पेसेस, और इनकी जो स्टेम होती है, तनाएँ होती हैं, वो बहुत ही लचीली होती हैं एयर स्पेस, और लचीली होती हैं और नाजुक होती है एयर स्पेसेस के कारण। द स्टेम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करंट, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं और इसकी जो तनाएँ होती हैं वो वाटर पानी के धारा के साथ साथ क्या करती हैं, बहती हैं, उनमें मूवमेंट होता है। दिस प्लांट्स ब्रीद थ्रो देयर बॉडी सरफेस, और ये कैसे रिस्पायर करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, तो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। सच प्लांट्स क्लीन वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एक्वाटिक एनिमल्स, और ये इनका एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है, वो ये होता है कि ये पानी को शुद्ध बनाते हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करके, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जलीय जीवों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है उसको हटाने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई, इसलिए तो दिस प्लांट्स आर केप्ट इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम में यानी जिसमें मछलियाँ रहती हैं, हम लोग घरों में शो पीस में रखते हैं उसको, उसमें आपके एक्वाटिक प्लांट्स उगाए जाते हैं नीचे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, जिससे कि पानी के जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो इजीली उसमें सरवाइव कर सके। हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर द एग्जांपल ऑफ अंडरवाटर प्लांट्स, हाइड्रिला और टेप ग्रास अंडरवाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे सम स्पेशल प्लांट्स, ओके, टिल देन बाय एंड थैंक्स।